कि ये कोर्ट ऐसा ही क्यों है, या इस कोर्ट में तो आप ऐसी बात क्यों कह रहे हो। तो पहले मैं कोर्ट बोल देता हूँ महेंद्र भाई के साथ में, और मैं चाहता हूँ एक बढ़िया कोर्ट के साथ शुरुआत की जाए। तो मेरा खुद का कोर्ट जो मेरे मुझे बहुत पसंद कोर्ट लगता है ये, और काफ़ी बार मैं इस कोर्ट को बोल चुका हूँ, बोलता रहता हूँ और हमेशा बोलता रहूँगा। इस कोर्ट को लेके ना बहुत सारे कन्फ्यूज़न है कि ये कोर्ट ऐसा ही क्यों है, या इस कोर्ट में तो आप ऐसी बात क्यों कह रहे हो। तो पहले मैं कोर्ट बोल देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन आज उस पर भी करूँगा, उसको भी समझाऊंगा कि वो कोर्ट ऐसा क्यों है, ये किसके लिए है। पर आवाज वैसी होनी चाहिए, खड़क वाली। खड़क दे देते हैं। चल, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाना, आप हमेशा खुश रहोगे। क्या बात है, क्या बात है, तालियां हो जाएंगी। तो ये जो कोट है अरविंद भाई, बहुत बार क्या होता है, कई सारे भाई बहन मिलते हैं, वो कहते हैं कि सर आप ऐसे क्यों कहते हो कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बन जाओ। ठीक है, समझ गए, बात सुनने में भी अच्छी लगती है, लेकिन उनका प्रश्न ये रहता है कि सभी लोग मालिक बन जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा। इससे साफ झलकता है जिन भी लोगों के दिमाग में ये विचार चल रहा है, वो मालिक बनना नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं, हम जैसी लाइफ जी रहे ना वैसे हमको जीने दो, हमको ये मत बताओ कि हमको मालिक बनना है कि नौकर बनना है। इसका साफ सा मतलब है कि वो चाहते ही नहीं है कि अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करें, कुछ अचीव करें, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें। वो जैसी लाइफ जी रहे ना उसे सेटिस्फाइड है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे भाई बहनों को कैसी लाइफ जीना चाहिए या क्या करना चाहिए लाइफ में, आप क्या बोलते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ का जो पीरियड है ना हमारे लिए वो लिमिटेड है, तो आपको जैसा मन में लगता है ना कि यार ये काम मुझे करना था वो कर लो, बिकॉज हम लोग मोर्टल हैं, इमोर्टल नहीं है। ठीक है, अमृत्य पाके नहीं आए हैं, तो आप लोग ध्यान रखो कि भैया हमारी लाइफ स्पैन लिमिटेड है, तो आप जो करना चाहते हैं वो ज़रूर करो।